அண்மை செய்தி மோடி ஆட்சியில் நாட்டின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் இளைஞர்கள் வேலையின்மையை எதிர்கொள்கிறார்கள் என சோனியா காந்தி குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் மோடி ஆட்சியில் நாட்டின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் பெண்கள் பல்வேறு கொடுமைகளை எதிர்கொள்கிறார்கள் எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார் மோடி ஆட்சியில் தலித்துகள் பழங்குடியினர் பிற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் சிறுபான்மையினர் பாகுபாட்டை எதிர்கொள்கின்றனர் எனவும் சோனியா காந்தி குற்றம் சுமத்தியிருக்கிறார் நரேந்திர மோடிக்கும் பாஜகவுக்கும் அதிகாரத்தில் நீடிப்பதை தவிர வேறு நோக்கம் கிடையாது என்றும் அவர் கூறியிருக்கிறார் मिलकर मजबूत और एकजुट भारत बनाए धन्यवाद जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों आज देश के हर कोने में युवा बेरोजगारी महिलाएं अत्याचार दलित आदिवासी पिछड़े और माइनॉरिटीज भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं ऐसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीयत की वजह से है उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है कांग्रेस पार्टी और मैंने हमेशा सभी की तरक्की और वंचितों को न्याय दिलाने के साथ देश को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया आज मैं फिर आपका समर्थन मांग रही हूँ हमारा न्यायपात्रा और हमारी गारंटी का मकसद भी देश को एकजुट रखना और गरीबों युवाओं महिलाओं किसानों श्रमिकों और वंचित समुदाय को ताकत देना है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए समर्पित है सभी के उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस को वोट दे और साथ मिलकर मजबूत और एकजुट भारत बनाए धन्यवाद जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों आज देश के हर कोने में युवा बेरोजगारी महिलाएं अत्याचार दलित आदिवासी पिछड़े और माइनॉरिटीज भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं ऐसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीयत की वजह से है उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है कांग्रेस पार्टी और मैंने हमेशा सभी की तरक्की और वंचितों को न्याय दिलाने के साथ देश को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया आज मैं फिर आपका समर्थन मांग रही हूँ हमारा न्यायपात्रा और हमारी गारंटी का मकसद भी देश को एकजुट रखना और गरीबों युवाओं महिलाओं किसानों श्रमिकों और वंचित समुदाय को ताकत देना है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए समर्पित है सभी के उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस को वोट दे और साथ मिलकर मजबूत और एकजुट भारत बनाए धन्यवाद जय हिंद